अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स होप सो आप सब ठीक होंगे और खैर खरीत से होंगे और लेक्चर फिजिक्स का लेक्चर इन्जॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फेडरल बोर्ड फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये चैप्टर नंबर 7.4 जो टॉपिक है उसका आगे जो फर्दर सब टॉपिक्स हैं वो हैं। अच्छा देखें, सबसे बड़ी बात है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, ये एक फिज़िकल क्वांटिटी है और हमें पता है कि हर क्वांटिटी को हमें क्या करना चाहिए, मेजर करना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम मेजर किस तरह करते हैं, यानी कि ये आपको पता होना चाहिए क्वांटिटी है और इसको मेजर करते हैं हम जिस इंस्ट्रूमेंट से यूज़ करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट्स का नाम है बैरोमीटर। वो है जी बैरोमीटर। ठीक हो गया। अब बैरोमीटर किस तरह का होता है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद जो हम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वो होता है 10,000 1300। पास्कल, क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पास्कल क्या होता है, प्रेशर का यूनिट होता है, इसलिए हम ये भी लिख सकते हैं कि ठीक हो गया जी। और उसके बाद अब इसकी बताता हूँ, मर्करी थर्मोमीटर, ये जो बैरोमीटर होता है इसकी टाइप्स कितनी होती हैं। इसकी टू टाइप्स होती हैं बेसिकली हम यूज़ करते हैं। एक यूज़ करते हैं मर्करी थर्मोमीटर, एक यूज़ होता है वाटर थर्मोमीटर। जो आपके बुक में वो मर्करी थर्मोमीटर है, दोनों की वर्किंग 99.99% सेम है। अब मर्करी थर्मोमीटर किस तरह होता है, मर्करी थर्मोमीटर एक 1 मीटर ग्लास ट्यूब होती है उसमें मर्करी फिल की होती है, ठीक है, और उसको एक टब के अंदर या ट्रफ के अंदर उसको इन्वर्ट करके डाल दिया जाता है, यानी कि उसके जो बंद वाली जगह है वो ऊपर है और जो ओपन जगह है, जैसे कि असल में वो ट्यूब इस तरह की होगी, इसमें इतना मर्करी फिल करके थोड़ा सा एयर रख के उसको उल्टा करके इस शेप में उसको रख दिया जाता है। तो आप इमेजिन कर लें कि वो किस तरह रखा हुआ, ठीक है। तो ये मैंने इन्वर्ट करके रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक हो गया। ये थोड़ा ओपन रखा हुआ है, चलिए ये खोल दिया मैंने, ठीक है। और थोड़ी सी मर्करी इस टब में या ट्रफ में डाल दी जाती है, तो ग्लास ट्यूब होती है फिल्ड विद मर्करी, और उसे कैसे रखते हैं, इन्वर्टेड शेप में रखते हैं, इन्वर्ट। ट्रफ और ट्रफ, ये जो तो ट्रफ है, ये आप इसको टब भी कह सकते हैं, और ये टब इतना बड़ा नहीं होता, इतना सा होता है, यानी कि अगर रियल शेप इसकी देखें तो इतनी लगा लें, इससे बड़ा ये ट्रफ नहीं होता, इतने साइज़ का होता है, ठीक है। तो इसमें इसको इन्वर्ट करके रख दिया जाता है। अब जब इसको इन्वर्ट करके रखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, ये थोड़ा सा एयर पड़ी होती है, ये एयर है, और यहाँ पे हम लगा लेते हैं एक मीटर स्केल, यानी कि ये 100 मीटर कर लें हम, 100 सेंटीमीटर इसकी मेजरिंग स्केल रख लेते हैं हम, ठीक है, ताकि हम उसकी हाइट मेजर कर दें कहाँ पे है। अब मर्करी, जब एयर मर्करी पे प्रेशर लगाता है, क्योंकि एयर पार्टिकल्स हैं उन्होंने प्रेशर लगाना है, तो मर्करी क्या करती है, नीचे की तरफ क्या करती है, वो फ्लो करती है या जाती है या दब जाती है, जो भी आप कह लें, ठीक है। तो अच्छा, और वो कहाँ पे आके रुक जाती है, 76 सेंटीमीटर पे, 76 सेंटीमीटर पे मर्करी जाके वहाँ पे रुक जाती है, इसके बाद वो और नीचे नहीं जाती। तो ये क्या हो गया जी, जो एयर सुनाम क्या है, एयर प्रेशर लग रहा है मर्करी के ऊपर, तो मर्करी की हाइट जहाँ पे भी है, आप 90 सेंटीमीटर से हो के 76 सेंटीमीटर तक आ जाती है। तो फिर हम इसको एक और स्केल होता है उससे देखते हैं कि हाँ 76 सेंटीमीटर पे कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है।
ठीक है, तो वहाँ से हमें पता चल जाता है 76 एटमॉस्फेरिक मीटर पे कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वो मैंने आपको ये बता दिया। उसके बाद हाँ बिल्कुल सही है ये। उसके बाद सेम क्या करते हैं, अब ये जो मरकरी है ये 76 सी लेवल पे है, जैसे हम हाइट पे जाएंगे, आप इसको मैं क्योंकि हाइट पे जाते हैं तो ये सेम मैं हाइट पे रखता हूँ, तो हाइट के ऊपर आपको पता है जितना हम ऊपर जाएंगे उतना एयर पार्टिकल्स कम होंगे, अब जितने एयर पार्टिकल्स इसके अंदर कम होंगे उतना वो कम प्रेशर लगाएंगे, मरकरी 76 की जगह कहीं और पे जाके 86 पर चली जाएगी, 78 पर चलेगी, कुछ और लगेंगे, और हाइट पर जाएंगे तो और कम हो जाएगी, और ऐसी हाइट पर जाएंगे जहाँ पे एयर होती नहीं है, वो उस नाम क्या अर्थ की सराउंड बाउंड्री पर जाएंगे और जो है एटमॉस्फेयर की, तो वहाँ पे एयर बिल्कुल नहीं है, तो ये 100 सेंटीमीटर पे टिकी रहेगी। तो ये हमने एक लगाया हुआ कि अबव सी लेवल, सी लेवल पे क्या होता है और अबव सी लेवल क्या होता है। अब वाटर और इसमें क्या डिफरेंस क्या है, सेम वाटर के साथ भी ये होता है लेकिन उसकी एक्सपेंशन का तरीका कोई वैल्यू कुछ और है। उसके बाद हमें पता है कि जो मरकरी है वो 13.6 टाइम डेंसर देन वाटर है, 13.6 टाइम्स डेंसर देन वाटर, तो मरकरी 36.3 टाइम्स डेंसर देन वाटर है, तो जब वाटर की जो वैल्यू निकलेगी उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 36.3 टाइम्स वाटर, तो हमारे पास फिर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों ये था हमारे पास कि हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैं ये किसान करना है। अब दूसरा हम टॉपिक पढ़ते हैं जी, वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर 30 किलोमीटर। ठीक हो गया, वेरिएशन का मतलब क्या होता है, चेंज, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे चेंज होता रहता है, ठीक है, और हम इसको यानी कि कैसे पढ़ सकते हैं, बहुत इजी सा टॉपिक है। इमेजिन करें ये अर्थ है, ठीक हो गया, अर्थ के ऊपर जो फर्स्ट 30 किलोमीटर बना लेते हैं हम, फिर नेक्स्ट हम बता लेते हैं 50 किलोमीटर, फिर हम नेक्स्ट जो अब सारा बड़ा कर लेते हैं सर, ठीक है जी। जो अर्थ का जो फर्स्ट 30 किलोमीटर की जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर है उसमें हमारा 50%, एम आई राइट, 50% हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि 50% जो अर्थ के पार्टिकल्स हैं, एयर पार्टिकल्स हैं, वो इस 30 किलोमीटर की लेयर में लाए करते हैं। तो वहाँ पे जो हमारा जो क्या कहते हैं यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो मरकरी का 7 mm, यानी कि वो 100 पास्कल के बराबर है, ठीक है, 1000 पास्कल के बराबर है। 50% हमारा जो एयर है वो यहाँ पर लाया करता है, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 50% है। जो अगला जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो यहाँ पे होता है 49% अगली लेयर के अंदर, तो वो पूरे 49% जो हमारे एयर पार्टिकल्स हैं वो 50 किलोमीटर में जो यानी कि फैले हुए होते हैं, तो वो इतना लगाते हैं इसमें। जो उससे ऊपर जितने भी किलोमीटर आते हैं उसमें सिर्फ 1% हमारा एयर होती है, तो 1% एयर यानी कि इसमें 50% ऑफ एयर पार्टिकल्स हैं, या एटमॉस्फेयर कह लें आप, इसमें 49% है, इसमें 1% एटमॉस्फेयर, इसमें एयर पार्टिकल्स डस्ट वगैरह सब ना लें, तो वो कितना प्रेशर लगाएंगे, यानी कि इस जगह पे सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, फिर उससे कम है और फिर उससे कम है, तो यानी कि जैसे हम एल्टीट्यूड पे जाते जाते हैं तो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है, द मोर वी रीच द एल्टीट्यूड और हाइट तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स लोअर। यानी कि इसको मैं आपको इस तरह एक और देख लें आप सकते हैं, लो एल्टीट्यूड हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
high altitude, low atmospheric pressure. यहाँ तक बच्चों को इशू. अब अगली चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या कहते हैं इसे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम अपनी वेदर कंडीशन को भी मेजर कर सकते हैं कि हमारी वेदर कंडीशन कैसी है. आया वो सर्दी होने वाली है, विंड आने वाली है, गर्म हवाएं चल रही हैं, हम ये भी मेजर कर सकते हैं. वो कैसे मेजर कर सकते हैं कि देखें, जब प्रेशर कम होगा ना तो एयर पार्टिकल्स की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी. वो ज़्यादा इधर उधर जाएंगे, ज़्यादा, सॉरी मैं गलत बना रहा हूँ, इसको इधर बना दें, इसको इधर बना दें, इसको इधर बना दें. और हमें पता है कि जब एनर्जी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे टेम्परेचर भी क्या होता है, ज़्यादा होता है. तो आप खुद बना लें, आप लो प्रेशर पे पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा होती है, पार्टिकल हैज हाई एनर्जी. और क्या होगा जी, लो प्रेशर पे हाई टेम्परेचर होगा. जो गर्मियों में ना कल का मौसम बड़ा गर्म रहेगा, जो आजकल पाकिस्तान में चल रहा है, तो भाई वहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, प्रेशर लो होता है. अब हाई प्रेशर पे पार्टिकल कंडेंस हो जाते हैं, वो कम प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, पार्टिकल्स हैव लो एनर्जी. और क्या होते हैं जी, लो टेम्परेचर होता है. अब इसी तरह जब हमने प्रिडिक्ट करना होता है कि जी कल क्या होने वाला है, हमें ये तो नहीं पता कल बारिश होनी चाह रही, हम फिर अंदाज़ा लगाते हैं कि कल का एटमॉस्फेयर क्या है. अगर एटमॉस्फेयर सडन हमें देखते हैं, यार कल एटमॉस्फेयर सडन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इट मीन्स कल हवा चलेगी, जिसे हम अंधेरी भी कहते हैं पंजाबी में, कल अंधेरी चलनी है. तो अनेरी इसको तेज़ हवाएं विद डस्ट के साथ कहते हैं. अगर और ज़्यादा बहुत ज़्यादा और एटमॉस्फेयर प्रेशर है, फिर स्ट्रॉमिंग आएगी, बहुत तेज़ी से हवाएं के साथ रेन आएगी, क्योंकि वो कंडेंस हो जाती हैं तो वो रेन शुरू हो जाती है. और अगर बहुत ज़्यादा हम करें कल जी बहुत लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो फिर एयर पार्टिकल्स फैले हुए होंगे और ज़्यादा गर्मी होगी, ज़्यादा एनर्जी के साथ होगी. तो बच्चों ये था हमारा, यानी कि एनीथिंग लेफ्ट, लेट मी चेक, सारा कुछ ठीक है. हाँ, वो ये ने बताया कि आप बता सकते हैं कि सुना हम क्या है, ये अगला जो वेदर है वो कैसे आने लगा है, रेन होने लगी है, सब के सब क्या है, हम बाय मेजरिंग ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेशर. इस वजह से जो बैरोमीटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि ना, विच डिवाइस इज, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज बैरोमीटर. ठीक है, सो बच्चों दैट्स ऑल इट फ्रॉम टॉपिक 7.4. एनी क्वेश्चन, एनी क्वारीज, आपको लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स से शेयर करें. एक देखें, एक अगर आपको अच्छा लगता है, आप तो किसी का भला चाहते हैं, सो थिंग इज डैट कि ना, जब आप किसी का दूसरे की हेल्प करते हैं ना, सम हाउ इनडायरेक्टली आपको भी हेल्प मिल रही होती है. आपको टॉपिक अच्छा नहीं लगा तो कीप मैंशनिंग, चलो हमें एक क्लियर हो जाएगा हम अपने बिहेवियर में क्या चेंज करें, अपने एटीट्यूड में क्या चेंज करें. कुछ आपको यानी कि टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि यार कम टाइम में मैक्सिमम दे सकूं मैं, ताकि बच्चों को, क्योंकि मैंने जो बताया आप यही लिख देंगे तो टॉपिक इज क्लियर. मैं क्योंकि सामने बुक रखी होती है मैंने, तो उसी के मुताबिक चलो यार कोई, क्योंकि अक्सर बच्चे कहते हैं कि ना सर आपने बहुत ही स्लो और बहुत ज़्यादा बता दिया है, एक टॉपिक 20 मिनट्स में हो रहा था, आप 30-45 मिनट्स में लेके चले गए. तो उस डेट डिसाइडेड कि चलो उसको इतना ना मिनिमाइज़ किया जाए, लेकिन माइनस किया जाए ताकि बच्चों को और यानी कि टाइम ना जाया हो. अगर मुझे टॉपिक अच्छा लगा तो मैं उसको टॉपिक को पैचेज में नहीं करता, लेकिन हाँ उसके सब टॉपिक्स की बताया वीडियो बना देता हूँ मैं, ताकि जिसको जो चाहिए उसको मिल जाए. तो एनी क्वेश्चन, एनी क्वारीज कमेंट्स में आप बता सकते हैं. और टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय.